सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। प्रदीप जी आप बताओ कैसे हो? बस बस सर मैं भी बढ़िया हूँ। वेलकम टू लुधियाना। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर अभी सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम ठाकुर विश्वनाथ सिंह है। ओके। और सर अपने स्टड फार्म का क्या नाम है? राजपूत स्टड फार्म। राजपूत यानी राजपूत राजपूत भाई भाई। तो सर अभी कितने घोड़े वगैरह या घोड़ियाँ वगैरह रख रखी है? अभी मेरे पास तो टोटल छोटे बड़े मिलाकर 15 जानवर हैं। 15 जानवर हैं। इससे पहले बरसात से पहले ज़्यादा थे, कुछ सेल आउट कर दिए। अच्छा, बरसात से लॉकडाउन वगैरह में? हाँ, उससे पहले मैं सेल आउट कर दी। ओके। तो सर अपने पास में जो अभी मेन घोड़ा है वो ये है, यानी कि बच्चा है ना? ये अभी बच्चा तैयार हो रहा है, लगभग 2.5 साल के करीब होने वाला है। अच्छा, 2.5 साल के करीब। हाँ। ओके। और हाइट में कितना होगा सर अभी? हाइट में 64+ हो चुका है अभी तक। 64+ हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी। तो कितना चला जाएगा सर आपके हिसाब से? अब देखो ऐसे तो उम्मीद है कि 65-66 तो कर ही जाएगा। 65-66। हाँ सर। बाप वगैरह कौन है इसका? इसका बाप है स्वराज, जो कि हंसराज बरकाना का जो पोता बेटा है। शौर्य का बेटा स्वराज। स्वराज, ये स्वराज का बेटा है। स्वराज का बेटा ये है। हाँ। और इसकी माँ जो है वो नाग की डायरेक्ट बच्ची है। नाग की डायरेक्ट बच्ची है। तो क्या नाम रख रखा है सर अभी इसका? इसका नाम योगी है। योगी योगी यानी आदित्यनाथ के नाम पे रख दिया गया? नहीं, योगी ठाकुर है। अच्छा, योगी ठाकुर। योगी ठाकुर। ओके ओके। तो सर अभी जैसे कि आप खाने पीने में क्या दे रहे हैं इसको, यानी कि? अभी इसको सुबह शाम तो ज़्यादा तो नहीं दे पाता, लेकिन 2.5 किलो दूध। अच्छा। दो टाइम में। हाँ हाँ। और इसके अलावा दोपहर में इसको 1 से 1.5 किलो चने जो रात में भिगो दिए जाते हैं और दिन में इनको डाल दिए जाते हैं। अच्छा। और बाकी सुबह शाम जो इनको चारा मिलता है उसके अंदर जौ, चना चूरी और सोया डियोशी, चोकर, ये सब चीज़ें मिला के दी जाती है। ओके। यानी सबों का ही यही डाइट चलती है? सबकी एक। या फिर पर्सनल इसी को देते हो? नहीं, इक्वल सबों को समान है यानी? ओके। ज़्यादा ना दे पाए तो थोड़ा थोड़ा दें, लेकिन सबको दें। सबको दें। तो सर अभी जैसे गर्मी चल रही है तो कितने टाइम पानी पिलाते हो यानी कि? दिन में 4 से 5 बार पानी पिलाया जाता है, रात में सोने के टाइम फिर जब 10 बजे के आसपास फिर पानी पिला दिया जाता है। अच्छा, यानी 4-5 बार पिला देते हो यानी? नहीं, रात में जो पिलाते हैं 2-3 बार तो रात में ही पिला देते हैं। अच्छा, और दिन में 4-5 बार पिलाते हैं। यानी कि पूरे 24 घंटे में मेरे को लगता है 10 बार हो जाता है। 7-8 बार हो जाता है। क्योंकि क्या है कि घोड़ा बोल तो सकता नहीं कि मेरे को भाई प्यास लगी हुई है। अरे ये बोल लेते हैं भाई। बोल लेते हैं क्या? ये सब बोल लेते हैं, बस समझने वाला चाहिए। समझने वाला चाहिए जो इनको रोज हैंडल करता है। इनको जब भूख लगी होगी पास में निकलोगे तो ये हिनकेंगे, पानी की जरूरत होगी तो ये हिनकेंगे, अगर बाहर घूमने भी जाना है तो भी ये हिनकेंगे। अपने टाइम के बने हुए होते हैं, बता देते हैं यानी? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं। तो सर आपकी नज़र में जो घोड़ा है वो क्या है, यानी कि क्या परिवार, अगर हम मान के चलो एक परिभाषा हम देखें तो क्या है आपकी नज़र में मारवाड़ी घोड़ा है? जो मारवाड़ी घोड़ा हो या घोड़ा कोई भी हो, कोई भी हो, हाँ, घोड़ा पुराने राजा महाराजाओं के टाइम से है, देवताओं के टाइम से सूर्य भगवान की सवारी है। तो अगर इनका महत्व ना होता तो भगवान सूर्य जो दुनिया को प्रकाश देते हैं तो इन पर बैठ कर क्यों घूमते सारी दुनिया में? अगर इनका महत्व ना होता। दूसरा, जितनी भी जंगें हमारे राजा महाराजाओं ने लड़ी और जितनी भी सवारी, उस टाइम तो मोटर गाड़ियों का कोई प्रावधान नहीं था, सारा इन्हीं घोड़ों के बल पे हुआ है। ओके। तो ये घोड़ा, और वैसे भी जो माना जाए तो घोड़ा घोड़े से बड़ा मित्र और दोस्त कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। अगर दिल से लगा के बच्चे को पाला जाए तो इससे जितना वफादार भी कोई नहीं है। कोई नहीं है। पर सर आपको क्या लगता है आज के टाइम में लोग पालते थे नहीं वफादारी से? नहीं, आजकल देखो थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है। आजकल लोग घोड़े को जो पालते हैं तो जैसे कोई ज्यादा अमीर हो गया तो फार्म हाउस बना लिया, तो उसने लाके घोड़ा वहां बांध दिया, ये हमारा घोड़ा है, बैठते कभी नहीं उसके ऊपर। अच्छा। लेकिन क्या है, घोड़ा बंधा हुआ है, ये लगता है कि हमने घोड़ा रखा हुआ है। दूसरा, चलो ये भी अच्छी बात है कि उनकी सेवा परवरिश अच्छी होती है वहाँ पर। बाकी आजकल मोटर गाड़ियों का ट्रेंड है तो शौक में ही आदमी थोड़ा बहुत राइडिंग वगैरह कर लेता है तो कर लेता है, बाकी तो आजकल शौक का ही रह गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो सर अपन को जैसे घोड़े वगैरह रखते हुए कितना क्या टाइम हो गया होगा? घोड़ा तो हमारे दादा परदादा भी रखते हैं, आज भी हमारे गांव पे मेरे नाम की एक घोड़ी बंधी हुई है। अच्छा, आपके नाम से? नाम से ही है, उस पर अभी भी मैं जाता हूँ तो चढ़ता हूँ। अच्छा अच्छा। और कहें तो उसकी मैं फोटो भी आपको निकाल के दिखा सकता हूँ। क्या नाम रख रखा है आपने उसका, घोड़ी का? बिजली। बिजली बिजली
तो जैसे कि आप जाते नहीं तो फिर उसकी परवरिश कौन करता है? हमारे भाई रहते हैं, भतीजे हैं, हमारे नौकर चाकर हैं, जिम्मेदारी है पूरी। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ पर देखते हैं। यानी घोड़ों से अगर लगाव की बात करें तो मेरे को लगता है कि आपके भाई कोई ऐसा शख्स होगा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा भाई बैठा हुआ है मेरे सामने, पूछो कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी कार जो है खाली गई थी, मैं घोड़े पर दूल्हा बन के बैठ के अपने गया था, मेरे घोड़े का नाम विक्रम था। विक्रम था। तो आपकी शादी यानी कहाँ से कहाँ तक गए थे आप? 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था। अच्छा, 100 किलोमीटर घोड़े पे ही गए थे? निकल गया, शाम को पहुंच गया। तो लोगों ने आपको बोला नहीं कि जैसे कि वहाँ रिश्तेदार वगैरह उनमें कि यार गाड़ी में जा, घोड़े पे क्यों जा रहा है? वो लोगों ने बोलना था, लेकिन पसंद तो अपनी है, चॉइस तो जिंदगी की अपनी। अभी देखो मैं गांव से आया, अभी मेरा विक्रम मेरे घर पे रहा, अभी थोड़े दिन पहले पूरा हुआ है। अच्छा अच्छा। घोड़ा मैंने अपना अपने घर पे ही रखा। ओके। और उसके बाद चलो बच्चे छोटे थे नहीं, अब जब हमारे बच्चे कुछ करने लायक हो गए तो मैंने फिर रख लिया और मैं रोज राइडिंग करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शौक था, लोड लेंदे लोड लेंदे लोड लेंदे। और शौक की तो वैसे भी कोई कीमत है नहीं? बिल्कुल नहीं, कोई कीमत नहीं। तो सर वैसे घोड़े के अलावा अपना क्या बिजनेस है यानी कि? मेरा यहाँ पे प्रॉपर्टी का भी काम है और हमारी एक फैक्ट्री है गत्ते की। अच्छा, इसमें अच्छा। बॉक्स बनते हैं, कर्वेटेड बॉक्स बनते हैं। ओके ओके। और रेलवे स्टेशन पे मेरी 2-3 कैंटीने हैं। बाकी का घोड़ों का भी शौक है? अच्छा, घोड़ों का शौक है, डेयरी फार्म है। अच्छा, डेयरी फार्म है, गाय भैंसी भी रखी हुई है। अच्छा अच्छा, पूरा ही यानी कि पूरा फुल शौक कर रहे हो यानी कि? क्या करें, जिंदगी में बच्चे करने वाले हो गए तो अपने शौक लास्ट में तो पूरे कर ही लिए जाए। क्या उम्र है सर अपनी अभी? मेरी अभी 51 साल के करीब होने वाली है। 51 साल के करीब है। तो सर अभी इसकी ब्रीडिंग वगैरह चालू करवाई है या? हाँ, अभी अपनी 3-4 घोड़ियों पे मैंने छोड़ा है, जिसमें एक अपनी है। अच्छा। प्रेग्नेंट है। वो घोड़ी जो है हमारे मुक्सर मेले में 14-15 में विनर भी रही है। अच्छा, 14-15 में रिंग में? हाँ, रिंग में विनर भी रही है। और उसी को इससे मिलवाया है, पहले भी उसके 2 बच्चे मेरे पास हैं। ओके। जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और उसी को लगाया है, तो वो इससे प्रेग्नेंट है, और 3-4 घोड़ियाँ अपने यार दोस्तों की लगवाई हैं। अच्छा अच्छा, वो भी प्रेग्नेंट है। तो क्या फीस वगैरह चार्ज करते हैं सर? अभी मैंने तो भाई कोई फीस नहीं रखी है। अच्छा। पहले रिजल्ट देखूंगा, इसके बाद फीस रखूंगा, और फीस भी कोई ज्यादा नहीं रखूंगा। अच्छा अच्छा। और जो फीस भी रखूंगा तो इस शर्त पे रखूंगा कि जब तक घोड़ी बच्चा नहीं दे देती तब तक लगवाए। अच्छा, नहीं घोड़ी जब तक बच्चा नहीं देती तब तक करवाए? मेडिकल फॉल्ट ना हो। हाँ, अंदर कोई इंटरनल फॉल्ट ना हो तो फिर तो उसका तो कुछ इलाज है ही नहीं है। नहीं, उसका तो उसका भी उसका अगर जो डॉक्टर से इलाज करा के आता है तो भी लगवा दूंगा। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं है कि भैया 2-3 बार लगवाने के बाद में भैया खत्म मामला? देखो, शौक की चीजें हैं, लोग शौक के लिए पैसा खर्च करते हैं, और हम उस पे इतना वो बन जाए कि नहीं जी हम नहीं कराएंगे, नहीं ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब उसकी घोड़ी बच्चा दे देगी तो हमारी फीस पूरी हो जाएगी। ओके। और वैसे भी नॉमिनल फीस ही रखेंगे, कोई ज्यादा नहीं रखेंगे, सबके शौक पूरे होते रहे। क्योंकि अगर फीस ज्यादा रख देते तो कहीं ना कहीं लोगों के शौक मर जाते हैं। देखो ऐसा है, फीस ज्यादा रख दें, वाकवियत भी ज्यादा है, लोग आके अभी जितना कहेंगे दे के मीटिंग तो करा ले जाएंगे, क्योंकि लाइन बहुत अच्छी है, बड़ी स्ट्रांग लाइन है। बिल्कुल। और घोड़ा आपके सामने खड़ा अभी 3.5 साल का हुआ, 2.5 साल का, 2.5 साल का हुआ, 2.5 साल पूरा नहीं हुआ है, और आप देख लीजिए इसके सूंड देखिए, बॉडी बनावट देखिए, कितना स्ट्रांग है। इतनी गर्मी में भी सूंड भी काफी मोटे हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। और अभी इसको तो बनना है, जवान होना है, शुरुआत है अभी तो। लेकिन पता क्या है, हम नहीं चाहते जब इसके रिजल्ट आएंगे तो उस हिसाब से इसकी मार्केट बनेगी। बिल्कुल। लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा मैं इसका जो है बारे नहीं रखूंगा। ओके। क्योंकि मुझे ज्यादा महंगा नहीं आया है। अच्छा, सीधी सी बात। ओके सर, ओके।